लोकसभा चुनाव कर्नाटक के तीन बड़े नेताओं के लिए क्यों अहम है? क्या 23 मई को होगा कर्नाटक के तीन नेताओं की किस्मत का फैसला? लोकसभा चुनाव 2019 के 23 मई को आने वाले नतीजों से जहां केंद्र में अगली सरकार बनने का रास्ता साफ होगा, तो वहीं कई दिग्गजों का सियासी भविष्य तय करने वाला भी होगा। खासकर कर्नाटक के तीन बड़े दिग्गज नेताओं एच डी कुमार स्वामी, सिद्धारमैया और बी एस येदियुरप्पा के लिए 23 मई का दिन बेहद ही खास रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नतीजे ही तय करेंगे कि एच डी कुमार स्वामी की सरकार वहां बचेगी या नहीं। कांग्रेस और उनकी पार्टी जेडीएस मिलकर कुल 28 सीटों में से 15 या उससे ऊपर जीत लेती है तो कुमार स्वामी की चांदी है, लेकिन इससे कम सीटें आना खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। इसके अलावा इस चुनाव के नतीजे ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा और सीएलपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भविष्य भी तय करेंगे। वैसे भी गठबंधन सरकार में कांग्रेस के विधायक कुमार स्वामी को पहले से ही पसंद नहीं करते। सरकार में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थक विधायक तो खुले तौर पर सिद्धारमैया को अभी भी अपना मुख्यमंत्री बताते हैं। ऐसे में अगर जेडीएस और कांग्रेस मिलकर भी 15 सीटें नहीं ला पाए तो कुमार स्वामी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक में 17 सीटें जीती थी, लेकिन अगर इस पर नतीजे अनुकूल नहीं आए तो सबसे पहले गाज सीनियर नेता बी एस येदियुरप्पा पर गिरेगी। 76 साल के येदियुरप्पा को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया जा सकता है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी पहले से मौजूद हैं। वही अच्छा प्रदर्शन लिंगायत नेता का कद और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में उन्हें तीसरी और आखिरी बार सीएम बनने का मौका भी मिल सकता है। येदियुरप्पा भले ही 2023 तक सक्रिय राजनीति में रहने की बात कह चुके हों, लेकिन उनके लिए लिंगायत समूह के बड़े नेता को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर नतीजे गठबंधन के विपरीत आते हैं तो सिद्धारमैया फिर से अहम जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। सिद्धारमैया पहले ही साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। उन्होंने इस बात की आशा भी जताई कि वो फिर पार्टी हाई कमान का भरोसा जीत लेंगे। उनके समर्थन में जितने भी विधायक हैं वो भी उनके सपोर्ट में हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। वो भले ही कुमार स्वामी की जगह सिद्धारमैया पर दांव खेलने का मन बनाए, लेकिन जेडीएस इस पर शायद ही राजी हो। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।